ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. એબીપી અસ્મિતાની ખાસ રજૂઆત કેમ્પસની વાત કાર્યક્રમમાં વાત કરીએ. લો માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ, દેશની અલગ અલગ યુનિવર્સિટી અને સંસ્થાઓ છે ત્યાંના આ વિદ્યાર્થીઓ છે અભ્યાસ કરતા, તેમની સાથે વાત કરીએ તેઓ શું કહી રહ્યા છે. પહેલે એ બતાવીએ આપ કહાં છે. મેં ભોપાલ મધ્યપ્રદેશ છું. સર પઢાઈ કહાં છે કર રહી હૈ? એનએલયુ વિશાખાપટ્ટનમ. અચ્છા, તો આપ લો સે હૈ તો ક્યા માનતે હૈ અભી ચેલેન્જીસ લો મે ક્યા ક્યા હૈ, ખાસ તોર પે એજ્યુકેશન કી બાત કરે? લો મે બહોત સારે ચેલેન્જીસ હૈ, જૈસે બહોત સારે એક્ટ્સ હૈ જો બહોત પહેલે બને હૈ ઓર જિનકો જો 18th કે એક્ટ હૈ, 1800s કે એક્ટ હૈ, બટ અભી 2000 ચલ રહા હૈ. દેર હૈવ બીન લાઈક 2 સેન્ચુરીઝ વિચ હૈવ પાસ્ટ, તો ઉનમે ચેન્જીસ આના બહોત જરૂરી હૈ એન્ડ દેટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો જો ગવર્નમેન્ટ હૈ, द गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर दिस गवर्नमेंट, उनमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है, बट दैट चेंजेस आर नॉट गोइंग विथ द बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स. और जैसे गवर्नमेंट ने बजट कट किया है फॉर द एजुकेशनल, फ्रॉम द ओल्ड बजट दे हैव कट द एजुकेशनल बजट. सो दिस इज समथिंग विच इज लाइक इफेक्टिंग द कंट्री कंप्राइजेज ऑफ द यूथ, लाइक मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर यूथ इन द कंट्री. सो इफ यू कट द एजुकेशन पार्ट, द एजुकेशन मनी विच यू अलॉट टू द इन द कंट्री, देन इससे प्रॉब्लम बच्चों को ही होगी. हम भी एक नेशनल लॉ कॉलेज से हैं, हमारे स्टेट फंडेड नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं, बट वो स्टेट फंडेड में स्टेट को कितना फंड मिलता है वो डिफर करता है, इसीलिए कोई एनएलयू बढ़ जाता है कोई नहीं बढ़ पाता है. दैट्स व्हाई वी, हम लोग भी यही चाहते हैं हमेशा से कि सेंट्रलाइज्ड हर चीज़ हो. तो लॉ से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज अ स्टूडेंट जब मैं एक स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ तो. अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं बनारस से हूँ, उत्तर प्रदेश में. मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में पढ़ता हूँ. आप क्या मानते हैं अभी की एजुकेशन एज अ होल, एजुकेशन हम देखने जाए तो चैलेंजेस क्या क्या मानते हैं? दो तीन मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं. पहला, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे समाज में जो भी आप परेशानी देख लें, जिस किस्म की भी आप आप परेशानियां देख लें, वो चाहे किसी किस्म की यूनिवर्सिटीज़ में लड़ाई हो, या फिर आप कोई पॉलिटिक्स में परेशानी देख लें, या सोशल इनइक्वालिटी देख लें, या फिर आप जेंडर इनइक्वालिटी देख लें, विमेन एम्पावरमेंट देख लें, आप किसी भी चीज़ को अगर आप देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा इनलाइटनिंग या एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होती है जो उस चीज़ को ख़त्म कर सकती है वो है एजुकेशन. अगर लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है, उन्हें पता चलता है कि जैसे हमें ऐसा लगता है कि पहले ज़माने में औरतों और मर्द में काफ़ी फ़र्क हुआ करते थे, जबकि अगर आप वेदों को पढ़ें और अगर आप उससे पहले गीता पढ़ें और अगर आप हमारे टेक्स्ट्स को पढ़ें जिसलिए हमारा देश जाना जाता है, अगर आप उन चीज़ों को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि औरत और जो पुरुष होते थे वो बिल्कुल एकदम इक्वालिटी में रहते थे. अब जब आप एडुकेट होंगे तब आपको पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में. जब आप हमारे इतिहास को पढ़ेंगे, जब आप हमारे सामाजिक शास्त्र को जब पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आप जब भूगोल पढ़ेंगे, आप जब लॉ पढ़ेंगे, सोशल साइंसेस पढ़ेंगे, जब इन सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि हमारा देश किन चीज़ों से बना था और आज हमारी राजनीति उन चीज़ों को किस तरफ पे मोड़ रही है. तो इसीलिए आपको वो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा नज़र आ जाएगा और फिर जब आप पढ़ लेंगे और जब आपको आप इनलाइटेंड हो जाएंगे तो वो सारी प्रॉब्लम्स आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो प्रॉब्लम्स नहीं है. तो मुझे लगता है कि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझाएं लोगों को कि नॉट जस्ट वोकेशनल एजुकेशन, नॉट जस्ट एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ स्किल, बट एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट योर पास्ट वाज. आपका इतिहास क्या था, आपके पूर्वज थे वो किस लिए जाने जाते थे वेदों में, और हमारे देश में नहीं सिर्फ, वो पूरे विश्व में किस लिए जाने जाते थे. बात कही आपके दोस्त ने, महाभारत, गीता, वेद की बात कही, लेकिन आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बस कार्टून तक ही सीमित रह जाते हैं. आपने शायद, मुझे मालूम नहीं, शायद आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में लोग थे वो रामानंद सागर की रामायण और महाभारत सब देख के सब बड़े हुए, तो वो पूरा मामला अलग था, अभी का मामला अलग है. तो ये डिफरेंस कहाँ से आया, ये स्थिति का निर्माण क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? ये सिचुएशन इसीलिए बनी है जो मुझे लगता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वेस्ट को फॉलो करने लगे टाइम के साथ. हमें लगता है कि अमेरिका, यूरोप, ये सब कंट्रीज जो कर रही हैं वो हमें करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते, तभी हम डेवलप हो सकते हैं. और ये मतलब एक मार्केट स्ट्रैटेजी है जो इन कंट्रीज ने हमें बेचा कि देखो तुम कार्टून देखो, बच्चों को कार्टून देखना चाहिए. इंस्टेड
की मतलब रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, ये चीजें करनी चाहिए और हम वो चीजें फॉलो करते चले गए जो उन्होंने सिखाई, और इसीलिए हम वो भूल गए जो ओरिजिनली हमें सिखाया जाता था और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप पढ़ते हैं अपने शास्त्रों को, जैसे बोला गया, मेरे दोस्त ने बोला कि जब आप उन सबको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हमारी सोसाइटी बहुत पहले से बहुत डेवलप थी, हम लोग बहुत डेवलप थे, हम सब कुछ इक्वालिटी थी हमारी सोसाइटी में, सबको बराबर माना जाता था, सब बराबर बात सबकी सुनी जाती थी। लेकिन जब हमारे यहाँ इन्वेजन हुए तो हमारे यहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ आईं, और जब वो अलग अलग लोग आए, भले ही वो ब्रिटिशर्स हों, भले ही वो मुगल्स हों, जब वो लोग आए तो उन्होंने हमारे यहाँ अलग अलग तरह के आइडियाज़ बेचे और हम वो सब फॉलो करते गए, क्योंकि हम बहुत अकोमोडेटिव हैं, हम सबकी संस्कृतियों को अपना लेते हैं। लेकिन हम उस सब में अपनी चीज़ें भूल गए, और वही आज हो रहा है, और वही आज यूथ के साथ हो रहा है। इसीलिए ये एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इसीलिए आज मतलब हम सब पूरा एजुकेशन सिस्टम भी हम वेस्ट का फॉलो कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम। यूथ की उल्लेख जिक्र किया आपके दोस्त ने, तो क्या मानते हैं आज का यूथ कहाँ पे है, सही डायरेक्शन में जा रहा है या ऐसे ही सब चले जा रहे हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि यूथ का जो भी होता है वो उसके घर की जो उसको संस्कृति उसको सिखाती है, जो जिस माहौल में वो पड़ा भला होता है वो उस हिसाब से उस तरीके से वो अडेप्ट करता है उस सिचुएशन को। कंसिडरिंग कि आज का यूथ कहाँ जा रहा है, कंसिडरिंग कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो एकदम वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गई है, आजकल का यूथ भी यही सोचता है कि हमें मोदी को वोट देना है या कांग्रेस को देना है। दे आर नॉट, वो ये नहीं सोचते कि हमारे लिए भला कौन कर रहा है, वो ये नहीं सोचते कि हमारे टॉकिंग अबाउट हमारे साथ के जो लोग हैं, जितने लोग वोट देने लग गए हैं, वो ये देखते हैं कि अच्छा मोदी गवर्नमेंट को वोट दें, वो ये नहीं देखते कि हमारे जो वो हमारे उधर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन जा रहा है हमारी तरफ से। तो ये लग तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि यूथ बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर चुका है, और जितना और ये इसीलिए है क्योंकि एजुकेशन उनको प्रॉपर नहीं मिल रही है, उनको जो पॉलिटिकल कॉन्शियस होता है उन लोगों का इतना नहीं खुलता है, और ये तब भी खुलेगा जब आपको एजुकेशन और आप बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। और आपके सभी दोस्तों ने जिक्र ये किया कि एजुकेशन किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बजट में हो या कोई भी विकास के कार्य में हो। लेकिन ये तो ऐसा बन चुका है हमारे यहाँ पे, एजुकेशन और हेल्थ सबसे पीछे होता है। एक्चुअली अगर एजुकेशन की बात करें तो हमारे कंट्री में, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा रेडिकल है अगर देखा जाए तो। तो अगर बजट की बात करते, यू आर कटिंग शॉर्ट ऑफ द बजट, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि फंडिंग आ कहाँ से रही है, गवर्नमेंट की साइड से, एंड पूरा जो स्टेक है कंट्री का वो यूथ पर डिपेंड करता है। इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम द प्रॉपर एजुकेशन, हाउ विल दे इम्प्रूव एंड इनकलकेट देमसेल्व इन वेरियस डिफरेंट फील्ड्स। तो एजुकेशन सिस्टम की बात करते हुए अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रेडिकल है, लोग आजकल ग्रेड्स के पीछे भागते हैं, इवन बाकी लोगों से कंपैरिजन किया जाए सिचुएशन सभी जगह है, ग्रेड के सिस्टम और ये मार्कशीट के पीछे ही भागना, बस रैट रेस बन गया है सब कुछ अभी, बस कॉर्पोरेट क्लाउन्स बनना चाहते हैं लोग, खुद की एक क्रिएटिविटी, अपनी जॉब भी उसी को देख के मिलती होगी, वो क्रिएटिविटी खत्म हो गई है लोगों की ये रेस में भागते भागते। इंजीनियर्स इतने ज्यादा बन चुके हैं अब देखिए, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए बट उनको वो लेवल का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता नहीं है, जिसके कारण इंडिया पीछे वो लेवल पे नहीं आ पा रहा जिस पे होना चाहिए। देखा जाए तो सुंदर पिचाई है एक जगह जो इंजीनियर थे, और अभी बाकी मतलब ही इज़ ऑल्सो, वो भी इंजीनियर है, बट फिर अभी देखा जाए तो वो स्टैंडर्ड के इंजीनियर्स हम लोग क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए और उन्हें प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जा रहा है, जिसको ध्यान में रखना चाहिए। किशन, तुम्हारा लो फील्ड नहीं बात करिए तो शू मानो छो, प्रैक्टिकली कहूँ के इंजीनियर ने बात करी के वधारे पड़ता है फुगाओ थी गयो, तो लो में क्या प्रकार की परिस्थिति से हल, क्योंकि घना बदा छोकराओ जो है ग्रेजुएशन करे अलग क्षेत्र में फरी छेल्ले लो में आवी जाए कि हूँ लो करी लूँ एटले सारी प्रेक्टिस् करीश, एवं दिमाग में मानसिकता एक बनी गई है। अकॉर्डिंग टू मी, मने एवं लगे कि बेसिकली लॉ आज केटलाक वस्तु माटे प्राइमरी क्वालिफिकेशन नो भाग है, लाइक तमे क्लास टू ऑफिसर्स नी अमुक पोस्ट जो लो, क्लास वन ऑफिसर्स नी पोस्ट जुओ, तो एना माटे एलएलबी इज मस्ट। एटले एक ए पण कारण है कि लोग गमे तेमा ग्रेज्युएशन कर्या पछी पण लॉ करता होय छे। फर्धर अगर आपणे जोईए तो आज लॉ नी परिस्थिति पहला हती एना करता कई
ખાસ અલગ નથી. લાઈક પહેલાં પણ જેટલા વસ્તી હતી એ પ્રમાણમાં લોયર્સ સફિશિયન્ટ મળી રહેતા હતા, આજે પણ મળી રહે છે. અને અમારો આખો પ્રોફેશન ટોટલી સ્કિલ બેઝડ છે. ઇફ યુ આર સ્કિલફુલ તો તમને કામ મળશે. જો તમે આજે 1000ની વચ્ચે ઊભા છો કે 1 લાખની વચ્ચે ઊભા છો એનાથી બહુ મોટો ફરક નથી પડતો, પણ ફરક ખાલી એટલાથી પડે છે કે તમે કેટલા સ્કિલફુલ છો. ફર્ધર આ લોકોએ જે વાત કરી કે લિટરસીની એજ્યુકેશનની, તો હું એક વસ્તુ એડ કરવા માંગીશ કે લિટરસીની સાથે લીગલ લિટરસી ટુ લિટરેટ્સ કરીને એક કેમ્પેન અમે પણ ચલાવેલું છે GLS માં જ, કે લિટરસી તો જરૂરી છે જ, પણ લીગલ લિટરસી ઇઝ મોર નેસેસરી. દાખલા તરીકે હમણાં CAA નો મુદ્દો જોઈ લઈએ તો કેટલાક લોકો આજે પણ નથી જાણતા કે એકચ્યુઅલમાં સિટીઝનશીપ અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ છે શું. તો એમના સુધી એ વાત પહેલાં પહોંચાડવામાં આવે અને ત્યારબાદ એ પર્ટિક્યુલર વસ્તુને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં મૂકવામાં આવે તો કદાચ વધારે સારું લોકોનો પ્રતિસાદ બી મળે, રિસ્પોન્સ મળે, અને એની સાથે ગવર્મેન્ટ પણ પ્રોપરલી ફંક્શન કરી શકે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ગવર્મેન્ટના રોલમાં લેકિંગ છે. ગવર્મેન્ટે ક્યાંક ને ક્યાંક એડમિટ પણ કર્યું છે, ઇન અ વે ડિરેક્ટલી નહીં પણ ઇનડિરેક્ટલી, કે અમે આ વસ્તુ લોકો સુધી નથી પહોંચાડી શક્યા કે વોટ ઇઝ CAA એક્ઝેક્ટલી. તો આ વસ્તુમાં પણ લીગલ લિટરસી ટુ લિટરેટ્સ નામનું એક કેમ્પેન જે અમે GLS માં ઇનિશિયેટ કર્યું હતું એ દરેકે દરેક કોલેજીસે આગળ લઈ જવું જોઈએ, ઇવન ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સે પણ લઈ જવું જોઈએ, અને લીગલ એડ ક્લિનિક્સ જે ચાલતા હોય છે દરેક કોલેજે એ લોકોએ પણ એક સ્પેસિફિકલી ડે અલોટ કરવો જોઈએ કે જેની અંદર એ નવા લોઝ રિલેટેડ લોકોને માહિતી આપે. લોની વાત આવે એટલે ઘણા લોકો એક મજાકમાં કહેતા હોય છે કે એક પોલીસ સ્ટેશન, કોર્ટ અને હોસ્પિટલનો ધક્કો ના ખાઓ, ખાય જીવનમાં તો સારામાં સારું, એટલે કોઈને આ વારો ના આવે એવું લોકો કહેતા હોય છે. તો આ સ્થિતિનું નિર્માણ કેમ થયું છે, એવું શા માટે? કેમ કે લોમાં એવું થઈ ગયું છે કે ભાઈ સાચાનું ખોટું, ઘણા બધા દિમાગમાં એવું હોય સાચાને ખોટું કરવું, ખોટાને સાચું કરવું. બિલકુલ, એટલે કોર્ટ અને ડૉક્ટર, વકીલો કે ડૉક્ટરને જેટલા ઓછા ધક્કા એટલું જ સારું, પણ એવું નથી. જે કોર્ટ જસ્ટિસ માટે છે અને વકીલો આટલા સંખ્યામાં છે અને પ્રોપર તમને ગાઈડન્સ આપી શકે છે સ્કિલ પ્રમાણે છે, જેમ કિશનભાઈ વાત કરી કે સ્કિલ હોય તો તમે ક્યાંય બી કરો. એટલે કોર્ટ બિલકુલ, કોર્ટમાં આવું ને GLS બી આ બધા કેમ્પેન ચલાવી રહી છે દરેક ફિલ્ડ, એટલે ડરવાની જરૂર નથી, એનો સામનો કરી શકાય. બિલકુલ કરો, ધન્યવાદ અમારી સાથે વાત કરવા બદલ. તો આ હતા દેશની અલગ અલગ લો ઇન્સ્ટિટ્યૂટના વિદ્યાર્થીઓ, કે તેમની સાથે વાત કરી શું માનવું છે તેમનું હાલની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ વિશે તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો. કેમેરા પર્સન પિયુષ લેવા સાથે અર્પિત દરજી, ABP અસ્મિતા, અમદાવાદ.